महिला बस में सवार होकर भुवनेश्वर से केंदुझर जा रही थी किया और वहीं लोगों का ये कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, जो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं। हालांकि पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस का ये कहना है कि आरोपी पर केस दर्ज हो चुका है, जल्द इस पर कार्रवाई होगी। आपको जो भी अमीना बस में लड़की के साथ गैस था घटना घटा, ये घटना सही नहीं हुआ और इस तरह घटना होने पर बस के पास कार्रवाई होना चाहिए। ये कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार देखा गया है बसों में। तो साफ तौर पे जो महिला ने ये इल्जाम कंडक्टर पर लगाया है, तो पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि उचित कार्रवाई इस पूरे मसले को लेकर की जाएगी। तो बता दें आपको कि महिला बस में सवार होकर भुवनेश्वर से केंदुझर जा रही थी, तो पुलिस ने फिलहाल कंडक्टर को पकड़ लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तो भुवनेश्वर से केंदुझर आ रही बस में बीती रात एक महिला के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला है। महिला ने बस कंडक्टर पर आरोप लगाया है कि उसके साथ बदसलूकी की गई है। तो इसी खबर पर सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो निर्मल, जिस तरीके से महिला के साथ ये छेड़खानी का पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब जल्दी खबरों पर से बीते रात में जो घटना हुआ था, लड़की ने केवंझर आके रात 12 बजे केवंझर के टाउन पुलिस स्टेशन है अपना परिवार के साथ आया फिर कंप्लेन की। लड़की कहना है कि जो अलिमा बस है, जो बस में वो आ रही थी, उस बस का कंडक्टर पहले इसके साथ बदसलूकी की, फिर लड़की ने इस वजह से विरोध किया, फिर कंडक्टर ने बीच रास्ते में इसको उतार दिया। जी, तो पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि कंडक्टर को तो पकड़ा जा चुका है? पुलिस तो अभी जो कंडक्टर है अलिबा अल्बिना जो बस है कंडक्टर पकड़ लिया है, फिर इस पर केस ठोक दिया है, अभी वो तो उसका गिरफ्तार हो चुका है। जी, तो निर्मल, जिस तरीके से स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की हरकतें बस में हो चुकी हैं, तो क्यों अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है? महिलाएं कहां तक सुरक्षित हैं? फिर अभी भी इस तरह का घटना जहां केवंझर के भारत बस और ओडिशा में सर्वोच्च जगह में हो रहा है, तो कहना है जो संगठन है, बहुत सारे संगठन है, स्वच्छता जो संगठन है, इसको और विरोध होना चाहिए और हम आज आगे की तरफ से इसको जैसा जैसा विरोध का तभी बंद हो गया, सरकार तरफ से कोई इसको स्टेप नहीं ले रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो भुवनेश्वर से केंदुझर आ रही इसमें बीती रात एक महिला के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो महिला ने पुलिस में केस दर्ज करवा दिया है और साफ तौर पर महिला ने ये कहा है कि अकेला उसको देखकर कंडक्टर ने दुर्व्यवहार उसके साथ किया, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। और वहीं पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी और कंडक्टर को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है।